सेट बी। फर्स्ट क्वेश्चन, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज 13.6, इट्स डेंसिटी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज व्हाट? फॉर्मूला क्या है रिलेटिव डेंसिटी का? डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस और डेंसिटी ऑफ वाटर, क्योंकि वो दी हुई है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की डेंसिटी 1 होती है, ठीक है? तो ये हो गई रिलेटिव डेंसिटी इज डेंसिटी ऑफ मर्करी जो निकालनी है ओवर डेंसिटी ऑफ वाटर विच इज 1, तो ये आपका 13.6 ही रहेगा। सो द डेंसिटी ऑफ मर्करी इन ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ऑप्शन यहां बी लिखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं, देख लेते हैं इसको। ये ए बन रहा है इसका आंसर, पर बी है वैसे तो आंसर बुक के अकॉर्डिंग। सेकंड है, स्टूडेंट मेजर्स टाइम पीरियड ऑफ 100 ऑसिलेशंस ऑफ सिंपल पेंडुलम 4 टाइम्स। द डेटा सेट इज 90 सेकेंड, 91 सेकेंड, 95 सेकेंड एंड 92 सेकेंड। इफ मिनिमम डिविजन इन द मेजरिंग क्लॉक इज 1 सेकेंड, देन द रिपोर्टेड मीन टाइम शुड बी। तो मीन टाइम मतलब आप देखो किस फॉर्म में आंसर दिया हुआ है, 92 प्लस माइनस वो डेल्टा है, इसका मतलब वो टी प्लस माइनस डेल्टा टी दिया हुआ है इसका मतलब। तो आपको एब्सोल्यूट एरर आप निकाल के देखो, आपका आंसर आएगा 2। तो इसका आंसर है डी पार्ट, 92 प्लस माइनस 2 सेकेंड। आपने पहले फ्रैक्शनल एरर निकाल लेना है, उसके बाद आपने उसको उधर ले जाना है, डेल्टा टी बाय टी निकाल लोगे, टी को उस साइड पे ले जाओगे, वहां से डेल्टा टी आ जाएगा। थर्ड है, इफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज जी एंड लैम्डा इज वेवलेंथ, विच फिजिकल क्वांटिटी डज लैम्डा जी रिप्रेजेंट? लैम्डा जी जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इनके यूनिट करके निकाल लेते हैं। लैम्डा मीटर है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, तो ये बन गया मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। उसका अंडर रूट क्या बनेगा? मीटर पर सेकेंड। तो मीटर पर सेकेंड कौन सी क्वांटिटी हो गई? थर्ड सी पार्ट इसका आंसर है, वेलोसिटी। तो ऑप्शन सी, लेंथ की, टाइम की, वेलोसिटी की या फोर्स की, तो आपका आंसर है सी पार्ट, वेलोसिटी। फोर्थ क्वेश्चन, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच वन हैज डायमेंशंस डिफरेंट फ्रॉम द रिमेनिंग 3? एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, फोर्स पर यूनिट एरिया, प्रोडक्ट ऑफ वोल्टेज एंड चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, एंगुलर मोमेंटम। तो इसका आंसर था डी पार्ट, एंगुलर मोमेंटम। चेक कर लेते हैं कैसे। सबसे पहले एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, m1 l2 t-2, वॉल्यूम l3, ठीक है? तो ये आपका आ जाएगा m1 l-1 t-2। उसके बाद आ जाता है फोर्स पर यूनिट एरिया, वो तो प्रेशर ही होता है, m1 l-1 t-2, वो भी ठीक है। एंगुलर मोमेंटम सेम एज दैट ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट, m1 l2 t-1, ये डिफरेंट हो गया। तो थर्ड चाहे आप चेक भी ना करो, जब आपको मिल गया कि ये दो का सेम है एक डिफरेंट है, तो आपका आंसर एंगुलर मोमेंटम हो गया। वैसे आप वोल्टेज और चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम निकाल के देख सकते हो, वो भी सेम ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 1 सेकेंड इज हाउ मेनी, 1 मिनट इज हाउ मेनी रेडियन? एक डैश है ना, एक डैश मतलब मिनट पूछा हुआ, ठीक है? कितने रेडियन होते हैं? देखो 1 मिनट होता है 1/60 डिग्री और 1 डिग्री होता है π/180 रेडियन। तो जब आप उसकी वैल्यू पुट करते हो 3.14 और 60 और 180 से डिवाइड करते हो, तो सी पार्ट आता है आपका आंसर, 2.91 × 10⁻⁴। तो फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर है सी। सिक्स्थ क्वेश्चन, एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द स्पीड ऑफ 6.25 मीटर पर सेकेंड इज डिसेलरेटेड
at a rate given by dv by dt is minus 2.5 under root v, where v is instantaneous speed, the time taken by object to come to rest would be, कितना टाइम लगेगा ऑब्जेक्ट को रेस्ट पे आने के लिए. ठीक है, तो इसमें क्या किया आप लोगों ने, पहले वेलोसिटी निकाली होगी, फिर उसको जीरो कर दिया होगा रेस्ट पे लाने के लिए, तो वहां से आपका टाइम आ सकता है. तो चलिए पहले हम वेलोसिटी निकालते हैं. कैसे निकालोगे, डीटी को उधर ले जाओ, वी को इधर ले आओ. नाउ इंटीग्रेट बोथ साइड्स. इसको सॉल्व करने के लिए अब इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा. तो क्या इंटीग्रल आएगा इसका, v माइनस वन प्लस वन ओवर वन प्लस वन, ये आ गया आपका, और ये आ गया t स्क्वायर बाय टू. तो ये हो गया अंडर रूट वी इज माइनस 2.5 ओवर 4. 2.5 मतलब 5/8. ठीक है, ये हो गई 0.6 और 2 समथिंग. ठीक है, ये आपका वेलोसिटी इक्वेशन आ गई टाइम के ऊपर डिपेंडेंट. अब टाइम टेकन बाय ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, ऑब्जेक्ट जब रेस्ट पे आएगी मतलब वी जीरो होगा तो कितने टाइम पे हो, यहां से तो नहीं आप कर सकते, आपको इक्वेशन ऑफ मोशन लगानी पड़ेगी. ठीक है, तो आपको यू दिया हुआ है, यू दिया हुआ है. अच्छा एक सेकेंड, आपको एक्सेलरेशन चाहिए, यहां से एक्सेलरेशन निकाल लोगे ना, वी तो पहले दी हुई आपको और फाइनल वेलोसिटी जीरो. आप ऐसे करो, यहां से एक्सेलरेशन कैसे निकालोगे, तो पहले दिया ही हुआ है, डीवी बाई डी टी इज एक्सेलरेशन. ये एक्सेलरेशन गिवन ही है आपको. ठीक है, किसी का आंसर आया ठीक, इसका आंसर है 2 सेकेंड. किसी का आंसर ठीक आया तो शेयर करो कैसे आपने सॉल्व किया. यस, किसका क्वेश्चन ठीक है ये, जतिन आप बताओ, आपका सेट बी था क्या, यू वर हैविंग सेट बी, सेट ए था, ए था, किसका था बी सेट, किसका किसको लगता है ठीक है, टाइम 2 सेकेंड. यस ध्रुव मैम, वी डी वी बाय डी एक्स करके वो फंक्शन निकाल लेते हैं. कौन सा मैम, वी डी वी बाय डी एक्स इक्वल्स टू ए होता है ना. हाँ, तो उसे फॉर्मूला निकाल लेते हैं वी और एक्स में. ए वी डी वी बाय डी एक्स. यस मैम, ये कह रहे हो आप, ये ए हो गया डीवी बाय डी टी ए. अच्छा फिर आपने क्या किया, इसको इंटीग्रेट किया है कि डिफरेंशिएट किया है ध्रुव. हाँ बोलो मैम, फिर इंटीग्रेट करना था ना, फिर आपका क्या निकला वहां से. मैम वहां से आ गया था 2 सेकंड्स करके. नहीं नहीं, वहां से क्या निकाला आपने इंटीग्रेट करके. इंटीग्रेट करके क्या निकाला, मैं ये पूछ रही हूँ. ये देखो v dv by dx है, मतलब एक्सेलरेशन को आप v dv by dx लिखोगे
ही इज सेइंग दिस. तो ये v ओवर अंडर रूट v dv इज माइनस 2.5 dx. यहां से फिर आपका s आया होगा, इसको इंटीग्रेट करके s आया होगा और फिर इक्वेशन लगा के v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as, s अगर आ गया उसके बाद आप टाइम निकाल सकते हो, या s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर भी लग सकता है वहां. u तो दिया ही हुआ है, तो नोट कर ले इसका आंसर था a पार्ट 2 सेकंड. सेवेंथ है, इफ अ वेक्टर 2i कैप 3i कैप 8i कैप इज परपेंडिकुलर टू दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, d पार्ट -1/2 इज द आंसर. इसका आंसर नोट कर लो, d पार्ट है -1/2. एट है, इफ a क्रॉस b is equal to under root a dot b, what is theta? A cross b is ab sin theta, this is ab cos theta, so aapka tan theta aa gaya under root 3 and that is 60 degree, so aapka answer hai d part 60 degree. नाइन्थ है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर ए विल बी व्हाट, इट विल बी अ जीरो वेक्टर, इट विल बी अ नल वेक्टर. ठीक है, यहाँ पे ऑप्शंस थी कि यूनिट वेक्टर होगा, एक्सियल वेक्टर होगा, नल वेक्टर होगा, या वेक्टर ही नहीं होगा. वेक्टर होगा पर वो होगा जीरो वेक्टर या नल वेक्टर. सो सी पार्ट वॉज द आंसर. टेंथ है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ डॉट प्रोडक्ट इज, डॉट प्रोडक्ट की कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दैट इज डी पार्ट ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए. इलेवेंथ, अ बॉडी ऑफ मास एम कोलाइड्स अगेंस्ट अ वॉल विद वेलोसिटी वी एंड स्टिक्स टू इट, इट्स चेंज इन मोमेंटम इज हाउ मच. मतलब पहले जो बॉल वॉल की तरफ जा रही है, इसकी मोमेंटम है एम वी, अब उसके साथ जाके स्टिकी कर जाती है. फाइनल मोमेंटम क्या है? जीरो. इनिशियल मोमेंटम ये है, तो आपका जो चेंज इन मोमेंटम है दैट इज एम वी ओनली. सो चेंज इन मोमेंटम इज एम वी, इट्स बी पार्ट. साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं है, एम वी है कि माइनस एम वी है, वो साइन दिया ही नहीं हुआ, तो आपका आंसर था बी पार्ट. ट्वेल्थ, डैश इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन. थर्टींथ, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज इज बी पार्ट म्यूजिकल टू टेन अल्फा. कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज रिलेशनशिप इज बी पार्ट म्यू इज इक्वल टू टेन अल्फा. 14, मिनिमम स्पीड विद विच अ व्हीकल कैन टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ बैंक्ड रोड इज बी पार्ट अंडर रूट आर जी टेन थीटा. मिनिमम स्पीड जिससे बैंक्ड रोड पे एक सर्कुलर टर्न लिया जा सकता है अंडर रूट आर जी टेन थीटा. 15, कॉम्पोनेंट बी इन द डायग्राम इज, इतना सिंपल पेपर था फिर भी पता नहीं क्यों मिस्टेक्स कर गए, सब पढ़ाया गया है आपको, ये डायग्राम नहीं आता क्या बताओ आप, तो सिर्फ रिजॉल्व करके एक कॉम्पोनेंट पूछा हुआ है आपसे, ये कॉम्पोनेंट कौन सा है. 13 क्वेश्चन में जरूरी थोड़ा कि एंगल अल्फा यो थीटा भी तो हो ही सकता है. बच्चे हम सिंबल लेते ही है, हमने कन्वेंशन थोड़ा सिंबल ही थीटा लेते हैं ना, आप फिर पूछ लेते बच्चे जब मैं आई थी कि इसमें से एंगल ऑफ रिपोज है कौन सा.
मैम मैंने आपसे पूछा था, आपने कहा था कि मल्टी चॉइस हो सकता है। अरे नहीं नहीं सारे, हम तो करेक्शन करवाई थी इसकी, मैं तो यहाँ पे टेन अल्फा की करेक्शन करवा के गई थी बच्चे, ऐसे नहीं है। अगर सारी बुक्स में आप देखो थीटा एंगल ऑफ फ्रिक्शन का है, अल्फा एंगल ऑफ रिपोज। अगर हम कोई और सिंबल ले लेते हैं वो कंफ्यूजन ही होगी दोनों, आप कौन सा लोगे बताओ? एंगल ऑफ फ्रिक्शन फिर किससे डिनोट करोगे? अगर आपने एंगल ऑफ रिपोज को ही थीटा ले लिया तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन का कौन सा सिंबल लेते हो आप बताओ? ध्रुव कौन सा सिंबल लेते हो फिर आप एंगल ऑफ फ्रिक्शन का? ऑब्वियसली पहले जो एंगल है हम उसको थीटा लेते हैं, दूसरा जो एंगल बाद में आ रहा है एंगल ऑफ रिपोज उसी को हम कोई और सिंबल लेंगे ना अल्फा, ठीक है ना? ये तो मैं करेक्शन करा के गई थी, अगर इनका कुछ डिफरेंस होता ही नहीं तो करेक्शन का मीनिंग ही नहीं था, फिर तो सारे ऑप्शंस एक जैसी थे, फिर तो कोई फायदा ही नहीं था। आई थिंक योर क्वेश्चन वॉज, एक बच्चे ने ये कहा था कि डी पार्ट भी तो सेम ही है, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स म्यू, ये पूछा था शायद आपने, और वो तो रिलेटेड ही नहीं है क्योंकि थीटा तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन है। तो ना ए था म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा, ना डी था जो उसी को घुमा के लिखा गया था थीटा टेन इनवर्स म्यू, क्योंकि रिपोज का तो सिंबल ही अल्फा है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16, ई फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन इज जीरो, फॉर परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इज जीरो बिकॉज द ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर, सो फाइनल वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज जीरो। 17, पिक द नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आउट ऑफ द फॉलोइंग, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, नन ऑफ दीज। तो सी पार्ट था न्यूक्लियर फोर्स। 18, इफ मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इंक्रीजेस बाय 100%, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज 300%, इसका सी पार्ट था 300%। एंड डोंट वरी, जो आपका क्वेश्चन नंबर 17 है ना उसमें न्यूक्लियर फोर्स को भी बी लिखा हुआ है, जबकि वो होना चाहिए था सी, तो हमने बी और सी दोनों का करेक्ट कर दिया। डोंट वरी अबाउट दैट, कि अगर आपको डाउट हो भी गया है तो वो आपका क्वेश्चन ठीक होगा, बी सी दोनों करेक्ट कर दिए हमने। ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 9 में भी हमने ऐसे ही किया, क्वेश्चन नंबर 9 में नल वेक्टर में डी लिखा हुआ था जबकि वो सी था, तो हमने ये दोनों करेक्ट कर दिए। देन 19th क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ कोलिजन, कौन सी कोलिजन है ये वाली कि बॉल हिट की और उठी नहीं उसके बाद, कौन सी कोलिजन है? परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन जिसमें ऑब्जेक्ट स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन, सो दिस वॉज सी पार्ट, परफेक्टली इन इलास्टिक। 20th क्वेश्चन, अ पार्टिकल ऑफ मास एम मूविंग इन एक्स डायरेक्शन विद स्पीड 2v इज हिट बाय अनदर पार्टिकल ऑफ मास 2m मूविंग इन वाई डायरेक्शन विद स्पीड v, इफ कोलिजन इज परफेक्टली इन इलास्टिक द परसेंटेज लॉस इन एनर्जी ड्यूरिंग द कोलिजन इज क्लोज टू व्हाट, इसका आंसर था बी पार्ट 56%, 56% है। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन में लॉस इन एनर्जी का एक फॉर्मूला किया था, आप डायरेक्टली लगा सकते हो यहाँ पे, लॉस इन एनर्जी हमने सॉल्व की थी एंड दिस वॉज हाफ m1 m2 m1 प्लस m2 u1 माइनस u2 स्क्वायर, ये थी। तो इसमें वैल्यूज पुट इन कर सकते हो आप, 56% आएगा इंटू 100 कर देना। 21-26 आर असर्शन रीजन क्वेश्चन। 21 है असर्शन, व्हेन टाइम ऑफ लाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डबल्ड द मैक्सिमम हाइट बिकम्स 4 times, जब टाइम ऑफ लाइट का डबल करते हैं मैक्सिमम हाइट जो है वो 4 times हो जाती है, आप कैलकुलेट करके देख सकते हो, ठीक है ये। रीजन, इफ एच इज मैक्सिमम हाइट एंड टी इज टाइम ऑफ लाइट देन एच इज प्रोपोर्शनल टू टी स्क्वायर, वो कहते हैं कि एच इसके स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये भी करेक्ट है और ये उसका रीजन भी है, तो आंसर है ए पार्ट, बोथ आर करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। 22nd असर्शन है, व्हाइल वॉकिंग ऑन आइस वन शुड टेक स्मॉल
स्टेप्स टू अवॉइड स्लिपिंग, स्लिपिंग लिखा, स्लिपिंग है ये, तो स्लिप होने से अवॉइड होने के लिए छोटे छोटे स्टेप लेने चाहिए, ठीक है ये. रीजन, स्मॉलर स्टेप्स एंश्योर स्मॉलर रिक्वायरमेंट ऑफ फ्रिक्शन, तो उससे स्मॉलर रिक्वायरमेंट होती है फ्रिक्शन की, तो ये भी ठीक है और उसको एक्सप्लेन भी कर रहा है, ए है इसका आंसर. 23rd assertion, unit vector has a unit though its magnitude is one. Unit vector का unit होता है क्या? उसका magnitude तो one होता है पर उसका unit होता है क्या? नहीं होता. Assertion wrong है. Reason, unit vector is obtained by dividing a vector by own magnitude. वो कह रहे हैं unit vector कैसे मिलता है? By dividing a vector by magnitude. ये तो ठीक है, formula ठीक बता रहे हैं. Reason is correct, assertion is wrong. तो आपका आंसर है D. D part आएगा आपका. Assertion wrong, reason correct. 24th assertion. If A dot B is equal to B dot C, then A may not always be equal to C. जो ए है वो सी के इक्वल जरूरी नहीं कि अगर बी काट दें आपका मतलब हो कि बी को काट दो तो ए सी के इक्वल हो जाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है. तो ठीक है वो कह रहे हैं ऐसा जरूरी नहीं है. रीजन, द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इन्वॉल्व्स कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स. स्टेटमेंट ठीक है कि क्रॉस प्रोडक्ट जो डॉट प्रोडक्ट होता है उसमें दोनों का कोसाइन इन्वॉल्व होता है, ए डॉट बी इज ए बी कॉस थीटा, बट वो उसका रीजन थोड़ी, ये दो इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट्स है, तो आपका आंसर है बी. 25th assertion, a cyclist is moving along a circular track of radius 80 meter with velocity 36 किलोमीटर पर आवर. ही हैज टू लीन फ्रॉम द वर्टिकल, मतलब अपने आप को बेंड करना, टिल्ट करना पड़ेगा थ्रू एन एंगल टेन इनवर्स 1/8. ये तो सॉल्व करके चेक करना पड़ेगा, लेट्स चेक इट आउट. वेलोसिटी है 36 किलोमीटर पर आवर मतलब 10 मीटर पर सेकंड. रेडियस है ट्रैक का 80 मीटर, तो कितने एंगल के थ्रू टिल्ट करे? टेन थीटा इज वी स्क्वायर ओवर आर जी था फॉर्मूला, वो यूज कर लेते हैं. वी स्क्वायर आर जी, जी को 10 ले लो, 1/8 आ गया tan थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स 1/8, ठीक है यही तो कह रहे हो, तो इतना ही एंगल आता है. सर्शन आपकी करेक्ट है. रीजन, एंगल थ्रू विच अ साइक्लिस्ट टर्न्स हिमसेल्फ इज tan थीटा इज वी स्क्वायर ओवर ऑल, तो ठीक है ये भी उसको एक्सप्लेन कर रहा है. tan थीटा इज वी स्क्वायर ओवर आर जी, तो क्या ये रीजन उसको एक्सप्लेन कर रहा है? रीजन करेक्ट है पर क्या ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ई में आंसर बी दिया हुआ है कि रीजन उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, आना तो वैसे ए ही चाहिए, उसको एक्सप्लेन कर रहा है ना. चलो 26th क्वेश्चन, अ बॉडी इज मूविंग यूनिट डायरेक्शनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अ सोर्स ऑफ कांस्टेंट पावर. एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, वर्क एनर्जी का. Its displacement in time t is proportional to c part t raised by 3/2. ये मैंने तब प्रूव किया हुआ है क्लास में, एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है. और दूसरे सेट में पावर थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी है. 27th, horizontal range of a projectile fired at an angle of 15 degree is 50 meter. If the range is to remain the same, other possible angle of projection can be what? 90 माइनस 15 डिग्री, तो कितना होगा? 75 डिग्री. सी वॉज द आंसर, 75 डिग्री. 28th क्वेश्चन, 1 meter इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन डैश सेकेंड, तो बी पार्ट है 1/299792458 ऑफ अ सेकेंड, मतलब वही स्पीड ऑफ लाइट का रेसिप्रोकल लिया, 1/3×10^8 है ये एक तरह से. तो कुछ बच्चे पेपर में पूछ रहे थे कि ये क्या है, इसमें आंसर ही नहीं है, जिनको पता ही नहीं है उनका नहीं मिलेगा ना आंसर. तो ये 3×10^8 को ही लिखा गया है 2997924. सो बी वाज द आंसर. 29th,
लेंथ कैन नॉट बी मेजर्ड बाय फर्मी, माइक्रोन, लाइट ईयर, शेक. शेक से नहीं मेजर हो सकती क्योंकि टाइम का यूनिट. 30th, फिजिकल क्वांटिटी इज गिवन बाय एक्स. परसेंटेज एरर्स इन KLMN आर 1, 2, 3, 4%. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, अनसर्टेनिटी इन एक्स. तो एरर ही निकालना था बस यहाँ पे. X is 2k cube L square over m under root n. ठीक है, अब इसकी इक्वेशन क्या बनेगी. 2 तो चला जाएगा, पावर आगे आती जाएगी. 3 टाइम्स ये, 2 टाइम्स लेंथ में, L में 1 टाइम्स उसकी कोई पावर नहीं है, m में, और 1/2 टाइम्स n में. अब वैल्यूज पुट कर दो एरर्स की दी हुई है. पहले में 1%, दूसरे में 2%, देन 3%, देन 4%. कितना आ गया, 12%. तो सी पार्ट वॉज द आंसर, 12%. 31st क्वेश्चन, इफ ए इज 2, बी इज 5, ए क्रॉस बी इज 8, व्हाट इज ए डॉट बी. इसका आंसर है डी पार्ट सी. ये बहुत सिंपली हो जाएगा क्रॉस और डॉट प्रोडक्ट के फॉर्मूले लगा के. इसका आंसर है डी पार्ट 6. डी पार्ट इसका आंसर है 6. 32, when a knife is sharpened with the help of a rotating grinding stone, the spark always, C part travels tangentially, spark tangentially jati hai. 33rd, tension T1, T2 in the strings are, iska tha C part 45.26 and 22.63 newton. Ye iska answer tha. Aage ki fatafat sun lo, time is about to be over. 34th, velocity at highest point of vertical circle is A part under root GR. 35, for a car not to turn safely on a curved road, C part road is leveled. 36 question, in which motion momentum changes kinetic energy not? A part circular motion. 37, coefficient of restitution for elastic collision is B part 1. 38, two balls at same temperature collide, what is conserved? A part momentum. Temperature mislead करने के लिए दिया हुआ है. 39, momentum of two objects moving with same speed but in opposite direction upon collision is C part 0. अगर वो same speed पर opposite direction में आ रही है तो वो आके stick कर जाएंगी, वो रुक जाएंगी, उनकी speed 0 हो जाएगी. 40th, in elastic collision, relative speed of approach and separation is equal. A part equal. Question number 41. Digits in place of 1 and 6 should be C part 2 and 0. Wo to simple addition ke upar base tha. 42. What should be correct answer with due regards to significant figures? It should be B part 12.06. Kyunki 5 even or odd hai, usko even banana padega. So this is 12.06. 43rd. If this number 12.055 is divided by 15.1, answer would be B part 0.798. 44, subtract 3.33 from 12.055, B part 8.72. Question number 45, write the order of magnitude of mass of earth. Earth ka mass kitna hai? 6 into 10 raised to power 24 kilogram. 6 into 10 raised to power 24 kg. So 6 ko order hum likhte hain 10. It's greater than 5. So 10 raised to power 25, to iska order of magnitude kya hua? 25. To answer was B part 25. So iska answer tha B part 25.